अखिल भारतीय ईपीएन पेंशन भोगी फेडरेशन की एक बैठक शुक्रवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी त्रिपाठी ने की। बैठक में मुख्य रूप से पेंशन में व्याप्त अनियमितता को दूर करने पर चर्चा की गई। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि उनके पेंशन भुगतान में काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिससे पेंशन धारकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फेडरेशन के लोगों ने बताया कि पेंशन वृद्धि को लेकर फेडरेशन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार द्वारा अब तक उचित निर्णय नहीं लिया गया है। बैठक के दौरान फेडरेशन के मंत्री रामयश, कोषाध्यक्ष सगीर अहमद, रत्नेश शुक्ला, अरविंद श्रीवास्तव, प्रमोद सिंह सहित फेडरेशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी त्रिपाठी ने कहा, अभी रामदेव जी ने पूरा विस्तार से बताया। पहले मैं मोटे तौर पर एक आपको बता दे भी नहीं है कि हमको कोई पेंशन मिल बाकी जो 700 का पेंशन हो वो फुल पेंशन 20 साल की सर्विस और 58 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही बने। बीच में अगर आपने 50 साल में लेनी चाहिए थी वो सब कटौतियाँ हो गई और पेंशन बनाने वाले आप ही हैं जो आज आपको सवाल किया। 1000 बढ़ी तो जो उसमें भी प्रभावित थे 2.5 साल वाले भी वो 1000 में भी प्रभावित हो गए। 1000 हो गई रिडक्शन पर पेंशन लड़ाई बढ़ते बढ़ते पेंशनर्स की ये बैठक है ऑल इंडिया ईपीएफ फेडरेशन की बैनर के तले। इसमें सभी लोगों का जिनका ईपीएफ का पेंशन कटा ईपीएफ कटा हुआ है ईपीएफओ में जमा है उन लोगों की पेंशन वृद्धि के बारे में सरकार से आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें वृद्धि नहीं हुई। 5000 प्लस महंगाई भत्ते की मांग की गई है। डिमांड करते हैं कि जो दिया गया है 5000 प्लस महंगाई भत्ता यह सरकार तत्काल, क्योंकि श्रमिकों की उम्र ज़्यादा हो गई, काफ़ी दिन हो गया, 5 साल करीब पूरा भी होने वाला है। 1000 जो दिए हैं ये भी है कि 5 साल के बाद ही कोई दिया जा सकता है, तो वो भी उनका कंडीशन करीब करीब पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए ये तत्काल मांग किया जा रहा है कि ये लागू करें।